नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के एक शानदार मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान की मजबूत टीम को हरा दिया है। आपको बता दें कि जब भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 120 रनों का लक्ष्य दिया तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत यह मैच जीत सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने गजब का प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए और नतीजा यह रहा कि यह मैच आखिरी ओवर तक पहुँच गया, जहाँ अर्शदीप सिंह को 18 रन डिफेंड करने थे। तो आइए जानते हैं कैसा रहा आखिरी ओवर का वह बहुत रोमांचक मुकाबला। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर कर रहे थे अर्शदीप सिंह। 20वें ओवर की पहली गेंद अर्शदीप सिंह ने 20वें ओवर की पहली गेंद इमाद वसीम को फेंकी और यह गेंद इमाद वसीम के बल्ले से लगकर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई और मैदान पर थोड़ा ड्रामा भी देखने को मिला, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया और पता चला कि इमाद वसीम आउट हो चुके हैं। अब पाकिस्तान को बची 5 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। 20वें ओवर की दूसरी गेंद अर्शदीप सिंह के सामने अब थे नसीम शाह। फुल लेंथ की गेंद को नसीम शाह ने लॉग ऑफ की तरफ खेला और एक रन लेने में कामयाब रहे। 20वें ओवर की तीसरी गेंद अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर सामने थे साइन शाह अफरीदी। अर्शदीप सिंह ने याकर लेंथ गेंद डाली और साइन शाह ने लेग साइड पर खेलने की कोशिश की, गेंद उनके पेट पर लगी और लेग बाई के रूप में एक रन बन गया। 20वें ओवर की चौथी गेंद अब बची 3 गेंदों पर पाकिस्तान की टीम को 16 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप सिंह ने नसीम शाह को गेंद डाली। नसीम शाह ने भाव लिया था कि गेंद याकर लेंथ होगी और उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। 20वें ओवर की पांचवी गेंद अब पाकिस्तान को बची 2 गेंदों पर 2 छक्कों की जरूरत थी। नसीम शाह को अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टंप से दूर गेंद फेंकी और नसीम शाह ने इसे डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला। विराट कोहली ने दौड़ते हुए दाहिनी तरफ डाइव लगाई, लेकिन वह इस गेंद को रोक नहीं पाए। 20वें ओवर की छठी गेंद अब पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे और भारतीय फैंस दुआ कर रहे थे कि अर्शदीप सिंह नो बॉल और वाइट ना फेंके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आप स्टंप पर लो फुल टॉस गेंद बिल्कुल नियंत्रण के साथ अर्शदीप सिंह ने डाली और इसके साथ ही भारत ने यह मैच जीतकर एक नया इतिहास बना दिया और 120 रन के कम स्कोर पर पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हरा दिया और अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर के हीरो बन गए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।